वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों ये एक सेगमेंट लेकर के मैं आपके सामने हूँ और ये जो सेगमेंट है ये आपका एक्टिव एंड पे है बहुत सारे बच्चों के ऐसे दिक्कत होती है कि एक सेंटेंस को अगर हम एक्टिव से पैसे में बदलते हैं तो उसे कैसे बदलते हैं ठीक है तो मैं आपको एक सतही तौर पर यहाँ पे, पे सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा स्पेशली जो बच्चे टेट और सुपर टेट के लेवल पे प्रदर्शन कर रहे हैं वैसे ये काम तो सभी बच्चों के आ सकता है लेकिन अभी मेरा जो टारगेट है वो इस समय जो आगे आपके एग्जाम्स हैं जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो मैं खास तौर पे बना रहा हूं ठीक है तो सबसे पहले जब आप एक एक्टिव एक वायस को पैसिव पैसे में बदलना चाह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है हमारी वर्ब क्या है और हमारे पास ऑब्जेक्ट है कि नहीं जो भी बच्चे ये करना चाहते हैं एक्टिव से पैसिव में बदलना चाह रहे हैं उन बच्चों के निश्चित ही पता होना चाहिए कि ये हमारा सब्जेक्ट है ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है वर्ब भी जनरली आपकी एक्शन वर्ब होनी चाहिए जैसे किसी ने आपसे कहा I am calling him. तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट है वो जो कार्य कर रहा है वो उसकी वर्ब है एक्शन वर्ब है और उसके कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वो उसका ऑब्जेक्ट है कौन का प्रश्न करेंगे आप कौन कार्य कर रहा है तो आपको सब्जेक्ट मिलता है वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है तो आपको उसकी वर्ब मिलेगी और उस एक्शन करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट तो ये, ये तीन चीजें निश्चित ही आपको पता होनी चाहिए जो कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट है वह जो कुछ कर रहा है वो उसकी वर्ब है और उस वर्ब से जब हम हुम अर्थात क्या और किसे का प्रश्न करते हैं तो जनरली हमें ऑब्जेक्ट मिलता है ठीक है अब जो सबसे बड़ी चीज है जानने की कि अगर एक सेंटेंस को हमें एक्टिव वॉइस में है और उसे पैसिव में बदलना है तो हमको क्या करना चाहिए तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब देखें अगर आपने मेरी ये कुछ लाइंस आपने तैयार कर ली तो निश्चित ही आपको कभी भी एक्टिव पैसिव में आपको मुसीबत नहीं आने वाली कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको ठीक है तो पहला पॉइंट मैंने क्या दिया आपको कि अगर वाक्य इंडेफिनिट में हो अर्थात उसमें डू do हो डज हो डिड हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो पैसिव में में हर हाल में क्या होगा कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आ क्या जाएगी क्या आ जाएगी कंटिन्यूस की अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा ना एक्टिव वॉइस तो आपकी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में इज एम आर आ जाएगी अगर वो पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वाज या वर हो जाएगा पैसिव वॉइस में इस तरीके से आपके लिए पहचानना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा कैसे जैसे एग्जाम्पल है He does not call me. जो भी बच्चे इस लेवल पे हैं उन्हें कम कम से टेंस पहचान में आना ना? तो जैसे आपनेट तो है आई एम नॉट कॉल्ड यानी आपने की हेल्पिंग और आपको इतना तो पता है ना ही जो है वो यहां ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो मी है वो यहां सब्जेक्ट बन जाएगा इतना तो पता ही होगा और हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती केवल एक ही चीज है जो आपके क्लू के रूप में काम करेगा और आगे मैंने आपको दस एक्सरसाइज के पॉइंट्स भी दिए हैं उससे आप इसे और बेहतर समझ सकते हैं तो अभी समझ गए होंगे ये टेंस आपका प्रेजेंट था एक्टिव वैस में हमने क्या ले लिया प्रेजेंट कंटिन्यूस का एम ले लिया ही कॉल्स है ना केवल प्रेजेंट एंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है है ना तो फिर यहां पे देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमने एम ले लिया क्लियर है

और फॉर्म ले लेगा ठीक है अब अगर आप सोचिएगा तो इस वाक्य को बनाने की कोशिश करिएगा कि डिड नॉट डू इट अपने से करिएगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं वाक्य अगर कंटिन्यूस में है तो आपको कुछ नहीं करना है कंटिन्यूस प्लस बीइंग लेना यानी जो हेल्पिंग वर्ब आपकी होगी वो कंटिन्यूस प्लस बीइंग हो जाएगी यानी इज एम आर वाज वर प्लस बीइंग हो जाएगा जैसे

has been हो गया he had called me had हमारे पास है तो had been हो गया will have है तो have है हमारे पास तो shall है भी shall इसमें हो गया क्योंकि यहां i हो गया था या he था तो will have था यहां i है तो shall है अब यहाँ हमने क्या सीखा कि अगर हमारे एक्टिव वॉइस में has दिया गया हो have दिया गया हो या will have हो shall है हो, had हो कुछ भी नहीं करना है पैसिव वॉइस में इनके बाद क्या खोज लेना है हमको

तो जब हम इन्हें पैसिंग में बनाए ना तो मॉडल ले लें और उस मॉडल के साथ क्या जोड़ दें बस बी जोड़ दें तो रहनी है आपके उसमें। तो ले ले। ही तो पैसिंग में जब भी आएगा विल बी या शैल बी आएगा तो आई है तो विल शैल में बदल के देखे शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म आई शैल कॉल हिम देखे शैल है ना तो हर हाल में विल बी या शैल बी होगा ही है तो विल बी हो गया ही कैन कॉल मी जब भी आएगा कैन बी आएगा कैन बी है आपके पास वर्क मी जब भी आएगा शुड बी आएगा शुड बी प्लस वर्क फॉर्म हैश टू है तो जब भी आएगा हैश टू या हैव टू बी आ जाएगा तो आई है इसलिए हैश टू ना होकर के हैव टू हो गया और हैव टू के बाद देखिए क्या आ गया बी आ गया ही इज टू है टू हो एम टू हो आर टू हो वास्ट टू हो वर्ड टू हो हर हाल में इनके बाद बी आएगा तो आई आ गया था यहाँ पे इसलिए एम आ गया अभी देखिए अच्छा एग्जाम्पल है one should do one's duty. बहुत बार में ऐसे एग्जाम्पल आपको दे जाते हैं तो शुड मॉडल है ना तो देखिए क्या आ गया शुड बी आ गया और ये जो ड्यूटी हमने लिया हमने इसमें से वन हटा दिया और कभी भी बाई प्लस वन का प्रयोग नहीं करते बाई प्लस वन

इट इट कैसे हो जाएगा नहीं होगा एवरीबडी वॉज बी तो तब लेते हैं ना जब हमारा टेंस होता है तो है नहीं यहाँ पे और नन ना ऑफ दीज हो नाम नहीं, नहीं है अच्छा लग रहा होगा अगर आपको लगे ये आपके लिए मेहनत की गई है और बेहतर है आपके लिए तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें और अगर अगर अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठीक है मेरा चैनल जी चंद्रा इंस्टीट्यूट के नाम से भी है उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चलिए we make butter from milk. अब यहां make है we make यानी present indefinite tense है present indefinite है तो present continuous की helping verb लेंगे हम present continuous हमारे पास ये तो नहीं है पहले इसको eliminate कर देते हैं अब यहां butter is made, make है बच्चों कभी नहीं होगा ना बिना थर्ड फॉर्म के कभी पैसिव नहीं होता है यहां पे है बटर इज मेड और यहां पर ही बटर इज मेड यहां है फ्रॉम मिल्क और यहां है विद मिल्क समझ गए होंगे ये गलत हो जाएगा ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी जहां इज प्लस मेड प्लस फ्रॉम है आपको। चले और एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़ी सी स्पीड में ले रहा हूं ताकि आपको कम समय में ज्यादा समझ में आ जाए ठीक है आप चाहें तो जो स्पीडोमीटर होता है उससे कम तेज कर सकते हैं पीपल कंसिडर दैट ही इज वाइज ये ही इज वाइज का तो पैसिव नहीं बनेगा यहाँ एक्टिव अरे एक्शन वर्ग तो है नहीं यहाँ पे आपका तो पीपल कंसिडर कॉन्सलटें प्रेजेंट इन है तो जब भी आएगा इज एम आर आएगा यहां तो पीपल कंसिडर ही है और यहां बींग नहीं होगा people are considered, भाई, people के बारे में नहीं सोच, सोचा जा रहा है people सोचते लोग सोचते हैं तो पीपल आर कंसिडर्ड हो नहीं सकता है अब यहां देख इट इज कंसिडर्ड है ना इट इज कंसिडर दैट ही इज वाइज ये देखिए पूरा उतार दिया गया है that he is wise, और इट इज कंसिडर्ड सही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट था इसमें जाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस यहां भी इट इज कंसीडर्ड है लेकिन दैट पीपल आर वाइज ये तो कहा नहीं गया था अगर आपके मन में आ रहा हो सर ये इट कहां से आ गया तो हमेशा याद रखें जब भी वी हो यू हो दे हो और पीपल हो और इनके साथ कोई वर्ब हो आपकी जैसे से है बिलीव है एक्सपेक्ट है कंसिडर है, है और इनके बाद कोई दूसरी क्लास आ जा रही दैट वगैरह से आपको कुछ नहीं करना है ये जो है ना इसे लीजिएगा और इनमें से जो वर्ब दी गई हो उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लीजिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आगे जो आपकी दैट क्लास है वो आगे छोड़ दीजिए जैसे है तो यहां देखे पीपल कंसिडर था तो बदल दिया गया इट इज प्लस वर्क अगला देखते हैं। देखिए ध्यान से देखेगा। जैसे आपने देखा, तो दिमाग यूज करिएगा बच्चों इसका मतलब है, it means कि आपको इज एम आर प्लस टू प्लस बी लेना है इज टू बी प्लस थर्ड फॉर्म है हो सकता है यहां इज टू बी सेंट है लेकिन बाई हिम तो गायब कर दिया गया इसलिए नहीं हो सकता है वास सेंट ही वास नहीं सकता इसमें होगा नहीं तो जैसे आपने देखा था इज टू है तो मैंने क्या कहा था इसके बाद बी आएगा और वर्ग की थर्ड फॉर्म वर्ब की। वर्ब की ले लेंगे आप और यहां ही था इसलिए क्या हो जाएगा बाई हिम हो जाएगा चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर आपको दिक्कत होगी बाद में वीडियो को फिर देख लेंगे और बेहतर समझ में आएगा यू कैन वेरी वेल डिपेंड ऑन जब भी आएगा कैन बी आएगा और कैन बी के बीच में क्या आ जाएगा वेरी वेल well आ जाएगा तो आई कैन बी डिपेंडेड अपॉन बाय यू यहां तो वेरी वेल well दिया ही नहीं गया है फिनिश करते हैं आई कैन वेरी वेल डिपेंडेड क्या मॉडल के बाद तो हमेशा बी लगाते हैं वेरी वेल आई कैन बी डिपेंडेड अपॉन बाय यू ये वेरी वेल पहले नहीं आएगा बच्चों अगर आई कैन के बाद मतलब यू कैन के बाद वेरी वेल है तो आपको कैन के बाद ही लेना होगा पे फिर very well और यहां और की यानी हो जाएगा। दो तीन क्वेश्चन और हैं और सब अच्छे हैं आपके काम आएंगे exams में। मोहित, eight, six sweets at dinner. Past, indefinite है तो फिर क्या हो जाएगा ये पास्ट कंटिन्यूस में क्या आर ले सकते हैं नहीं क्या ईट इन सिक्स स्वीट्स सब्जेक्ट बन सकता है नहीं एट डिनर सिक्स स्वीट्स वर देख लें।

हर की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो हर हाल में वाज वर आएगा तो यहाँ पे शॉट है और यहाँ पे वाज किल्ड है तो वाज किल्ड तो दिया नहीं गया था हंटर वाज ट्राइंग ये तो आपका एक्टिव वॉइस द ट्राइंग के साथ ये तो हो नहीं सकता है आपका द टाइगर वाज शॉट देखें ये पास्ट इंडेफिनिट था अब पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्बली और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय द हंटर भी है ये हो जाएगा और ये तो एक्टिव वॉइस से है ये हो नहीं सकता आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते that thief was caught by the police ध्यान से देखिएगा ये पैसिव वेशन अब कॉमन सेंस यूज करिए वाज कॉट है यानी ऑलरेडी या कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ली गई है तो हम कौन में रहे पास्ट इंडेफिनिट में रहे तो पास्ट इंडेफिनिट में हैड बीन तो आता नहीं है पास्ट इंडेफिनिट में तो हैज देख यहां देखिए पास्ट इंडेफिनिट है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है

ये हो जाएगा जो बच्चे ये ना जानते हो कि हम कैसे पहचानेंगे वो पैसिव है वो ये रूल मेरा हमेशा तैयार रखेंगे कभी भी अगर इज एम आर हो वाज या वर हो एक जो, एक नंबर हां एक, एक, एक ये वाज या वर हो या हैज बीन हो या हैव बीन हो या बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हर हाल में वो क्या होगा आपका पैसिव वायस होगा क्या होगा पैसिव वायस हो। मैं आपकी संतुष्टि के लिए के लिए एक एग्जांपल एक भी देता हूं आप बताइए ये एक्टिव होगा या पैसिव आई एम कॉलिंग हिम ये एक्टिव होगा या पैसिव सोचें बच्चों क्या ये कभी पैसिव हो सकता है बिना वर्ब के थर्ड फॉर्म के पैसिव कभी नहीं हो सकता है ये एक्टिव है तो ये वाक्य आई एम आर वाज वर्ड हैड बीन या बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तुरंत तो कह दें वो वॉइस क्या है आपकी पैसे चलिए ये मैंने असर्टिव सेंटेंस के ऊपर

करते रहिएगा एग्जाम